नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। बहुत पहले की बात है, शंकर नाम का एक किसान था। वह किसानी करके और अपने पेड़ों की लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार वह लकड़ियों को बैलगाड़ी में डालकर बेचने के लिए दूसरे गांव गया। रास्ते में शंकर को उस गांव का एक सेठ मिल गया। सेठ ने शंकर से लकड़ी के लिए पूछा, गाड़ी का कितना है? शंकर ने बताया, सबका 5 रुपए है। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं यह खरीद रहा हूँ, इसको तुम मेरे घर पर छोड़ दो। शंकर लकड़ी से भरी बैल गाड़ी लेकर सेठ के घर पहुँच गया। शंकर ने लकड़ियाँ सेठ को दी, पैसे लिए और अपनी बैल गाड़ी को लेकर आने लगा तो सेठ बोला, हमारी पूरी गाड़ी की बात हुई थी, अब यह बैल गाड़ी तुम नहीं ले जा सकते। शंकर ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है। सेठ ने कहा, तुमने गाड़ी का 5 रुपए का वचन दिया है, अब तुमको अपने वचन का पालन करना चाहिए। व्यापार में वचन बहुत मायने रखती है। शंकर के काफी समझाने के बाद भी सेठ नहीं माना, जिससे उसको खाली हाथ ही लौटना पड़ा। घर पहुंचने पर उसके बेटों ने बैलगाड़ी के बारे में पूछा तो उसने सेठ की करतूत को उनको बता दिया। शंकर का सबसे छोटा बेटा होशियार था, उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। वह अगले दिन उसी तरह बैलगाड़ी में लकड़ियां डालकर उसी गांव की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसको भी वही सेठ मिल गया। सेठ ने सोचा, आज फिर एक बकरा आ रहा है। सेठ ने फिर वही बात पूछी, गाड़ी का कितना है? इस पर शंकर का बेटा बोला, केवल 2 मुट्ठी। सेठ सोचा, यह तो कल वाले से भी मूर्ख है, 2 मुट्ठी में तो मैं 2 आना दबाकर इसको दे दूंगा। उसने घर पर लकड़ियां छोड़ने को बोला। वह बैलगाड़ी को लेकर सेठ के घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने सारी लकड़ी सेठ को दे दी। सेठ अंदर से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में 2 आना दबाकर ले आया। उसने शंकर के बेटे को बोला, लो 2 मुट्ठी पैसे। शंकर के बेटे ने चाकू निकाला और बोला, मैंने 2 मुट्ठी पैसे नहीं मांगे, मुझे तुम्हारी हाथ की मुट्ठियां चाहिए। और वह उनको काटने के लिए आगे बढ़ा। इस पर सेठ ने मना किया तो शंकर का बेटा बोला, तुमने वचन दिया है और व्यापार में वचन बहुत मायने रखती है। उसने सेठ को सारी बात बताई, किस तरह उसने शंकर को ठगा था। इस पर सेठ ने शंकर के बेटे से हाथ जोड़कर माफी मांगी और पहले की बैलगाड़ी और लकड़ियों का उचित मूल्य दिया। इस तरह शंकर के बेटे ने अपनी होशियारी की वजह से अपने परिवार को ठगी से बचा लिया।